15 अगस्त 2020 एक ऐसा समय जब स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए लोग इस दिन को याद रखेंगे, क्योंकि यह स्वतंत्रता दिवस कोरोना के ऐसे काल में आया है जब लोग बाहर निकलने से कतराते हैं और सरकार लोगों को ज्यादा बाहर ना निकलने की सलाह देती है। जलगांव में भी स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम भरी बरसात में संपन्न हुआ। जिले के पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल के हाथों से भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दिया गया। उस वक्त वहां जिले के कलेक्टर अभिजीत राउत समेत जिले के अन्य मान्यवर भी उपस्थित थे। वहां पुलिस बैंड पथक भी था जो राष्ट्रध्वज के सम्मान में गीत गा रहा था। कार्यक्रम के बाद मंच से पालक मंत्री ने सभी को संबोधित किया। भारतीय स्वातंत्र्याच्या 73व्या वर्धापन दिनानिमित्त ध्वजारोहण सोहळ्यासाठी उपस्थित आदरणीय स्वातंत्र्य सैनिक, ज्येष्ठ नागरिक, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार, नागरिक बंधू भगिनींना मी आपल्याला आजच्या या भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। और यह सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था, क्योंकि कोरोना के काल में ज्यादा लोगों को वहां आमंत्रित नहीं किया गया था। सब कुछ होने के बाद जिला नियोजन भवन में चाय पानी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन हैरत की बात है कि कहीं भी सैनिटाइजर का इंतजाम नहीं किया गया था, जबकि सरकारी आदेश के अनुसार किसी भी तरह के कार्यक्रम में सैनिटाइजर रखना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है कि क्या सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन में सैनिटाइजर का उपयोग या सैनिटाइजर जरूरी नहीं है? अगर है तो फिर यहाँ आयोजकों ने सैनिटाइजर का इंतजाम क्यों नहीं किया? हम आपको दिखा रहे हैं नियोजन भवन का दृश्य, जहां बाहर से अंदर तक कहीं भी सैनिटाइजर नहीं रखा गया था। साथ ही साथ लोग एक दूसरे से लगे हुए थे, यानी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती दिखाई दे रही थी। जब इस बारे में पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल से सवाल किए गए तो उन्होंने राजनीतिक जवाब देते हुए इस बात को टाल दिया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। यहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था की गई, लेकिन सैनिटाइजर कहीं नहीं दिख रहा है। तो चाय पानी ज्यादा सैनिटाइजर नहीं, यहाँ पे गेट पे कोई सैनिटाइजर नहीं। बजाय आयोजकों को समझाने और बताने की जगह पालक मंत्री ऊपर वाले के मथे सब कुछ मारकर अपने रास्ते निकल गए। लेकिन क्या यह जायज है कि जहां एक ओर अगर शहर में कोई प्रतिष्ठान, कोई दुकान सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है, तो उस पर कार्रवाई की जाती है, यहां तक कि कई बार तो सील भी लगाया जा सकता है। लेकिन 15 अगस्त के इस कार्यक्रम के बाद चाय पानी के कार्यक्रम में साबित हो गया कि सरकारी आयोजनों में चाय सैनिटाइजर से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं होता। यहाँ तो बस हम यही कह सकते हैं कि जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। जलगांव से कैमरामैन धर्मेंद्र और जकी के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती। रतनलाल सी भावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।